अनोखी कहानियों के इस अद्भुत मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन। तो आज सुनते हैं कहानी कछुए और खरगोश की एक अनोखे अंदाज में। एक खरगोश और एक कछुआ लखनऊ में रहते थे। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, मगर कभी कभी मौज मस्ती में एक दूसरे पर कटाक्ष भी किया करते थे। एक दिन मस्ती के मूड में खरगोश कछुए की धीमी चाल के लिए उससे मजाक करने लगा। इस पर कछुए ने खरगोश को चुनौती दी रेस करने के लिए। नियत दिन और समय पर दोनों शुरुआती लाइन पर आकर एकत्रित हुए और दौड़ शुरू की। खरगोश तीर की तरह भागा और पल भर में ही आंखों से ओझल हो गया। आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद खरगोश को लगा कि जब तक कछुआ यहां तक पहुंचेगा तब तक क्यों ना एक छोटी झपकी ले ली जाए, मगर उसकी छोटी झपकी थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई और कछुआ सोते हुए खरगोश को पार करके अपने गंतव्य तक पहुंच गया। इधर जब खरगोश की आंख खुली तो वो तेजी से उठा और फिनिश लाइन तक भागा, मगर देखता क्या है कि वहां तो पहले से ही कछुआ पहुंचा हुआ था, आराम कर रहा था। देखें क्या सबक सीखा इस कहानी से, यही कि धीमी मगर स्थिर गति से चलने वाले हमेशा विजयी होते हैं। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। खरगोश अब घर जाता है और समझ जाता है कि उसके अति आत्मविश्वास और आराम पसंद रवैये के कारण ही उसकी हार हुई है। वो गलती को दोबारा न दोहराने की कसम खाता है। एक बार फिर एक और दौड़ के लिए वो इस बार कछुए को आमंत्रित करता है। कछुआ अपने मित्र के अनुरोध पर सहमत हो जाता है। वे नियत दिन और समय पर मिलते हैं। दौड़ शुरू होती है। इस बार खरगोश बिना ब्रेक लिए फिनिशिंग लाइन पर जाकर ही रुकता है और आराम से रेस जीत जाता है। देखें क्या सबक सिखाया इस बार कहानी ने, यही कि तेज मगर स्थिर गति से चलने वाले लोग हमेशा आसानी से जीत जाते हैं। मगर कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। कछुआ अब घर जाता है और वो सोचता है कि गति में तो खरगोश को हराया नहीं जा सकता है, फिर भी अपने कोर कॉम्पिटेंस पर विचार करता है। अंत में वो एक समाधान ढूंढ लेता है और एक अन्य दौड़ के लिए खरगोश को आमंत्रित करता है। मगर इस बार रेस के लिए रूट में बदलाव किया गया। दौड़ होनी थी लखनऊ महानगर कॉलोनी से रानीबाग चिड़ियाघर तक। खरगोश सहमत हो गया। नियत दिन और समय पर दोनों स्टार्ट लाइन पर मिलते हैं और दौड़ शुरू होती है। एक बार फिर तीर की तरह खरगोश दौड़ता है। जल्दी ही वो गोमती नदी के तट पर आता है और मुश्किल में दिखाई देता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। इधर धीमी चाल से कछुआ गोमती नदी के किनारे पहुंचता है और सहानुभूति के साथ खरगोश को देखता है और नदी के पानी में उतर कर तैरता हुआ रानीबाग चिड़ियाघर पहुंच जाता है। देखें अब क्या सबक सिखाया इस कहानी ने, यही कि कोर कॉम्पिटेंस से आप जिंदगी की दौड़ आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन कहानी अभी भी बाकी है दोस्तों। अब दोनों तय करते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ काफी रेस कर ली, अब रेसिंग के लिए क्यों ना ऐसा रास्ता खोजें जिससे वे कम से कम समय में लखनऊ महानगर कॉलोनी से रानीबाग चिड़ियाघर तक पहुंच सके। दोनों सोचते हैं और अंत में वे एक समाधान ढूंढ लेते हैं। अगली सुबह नियत समय पर वे शुरुआती लाइन पर मिलते हैं। कछुआ खरगोश की पीठ पर बैठता है और तेजी से वे दोनों गोमती नदी के तट पर आकर पहुंच जाते हैं। यहां आकर अब खरगोश कछुए की पीठ पर बैठ जाता है और कछुआ उसे तेजी से नदी पार करा देता है। पानी से निकलने के बाद कछुआ अब फिर से खरगोश की पीठ पर बैठता है और रानीबाग चिड़ियाघर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार वो दोनों कम से कम समय में अपने गोल पोस्ट तक पहुंचते हैं। देखें अब क्या सबक सिखाया इस कहानी ने, यही कि इनोवेशन एंड टीम वर्क विंस द रेस, यानी नवाचार और टीम स्पिरिट से जिंदगी की कोई भी दौड़ आसानी से जीती जा सकती है। कहानी खत्म। देखें क्या सबक मिला अब इस कहानी से, एक्चुअली बहुत कुछ सिखाया इस कहानी ने। असफलताओं के बाद भी न तो खरगोश और न ही कछुए ने हार मानी। खरगोश अपनी विफलता के बाद और अधिक प्रयास में लग गया। कछुए ने अपनी रणनीति बदल दी क्योंकि वो पहले से उतनी मेहनत कर रहा था जितनी वो कर सकता था। लेकिन कभी कभी रणनीति बदलने और कुछ अलग करने की कोशिश करना उचित होता है और कभी कभी दोनों करना उचित है। खरगोश और कछुए ने एक और महत्वपूर्ण सबक भी सीखा। जब हम एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देते हैं और उसके बजाय स्थिति के खिलाफ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करते हैं तो हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कैसी लगी आपको ये खरगोश और कछुए की अनोखी कहानी एक नए अंदाज में, अपने कमेंट्स पोस्ट जरूर कीजिएगा यूट्यूब चैनल पर। हौसला बढ़ता है। अगली बार एक और अनोखी कहानी, एक और नई सीख।